वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो पैसे से खाना और पैसे को खाना अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप वो मेरा वीडियो देखिए। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बैंक बैलेंस के 3 इलाज। पहला इलाज है अपने वॉलेट को मोटा करना शुरू कीजिए, यानी अपने वॉलेट को भारी करना शुरू कीजिए। अगर आपको संपत्ति बनानी है तो क्या आपके लिए ये समझदारी की बात नहीं होगी कि आपके पास जो पैसे हैं, यानी आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसका अच्छा उपयोग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वॉलेट में 10 रुपये हैं तो आप 10 रुपये में से 9 रुपये को खर्च करें और 1 रुपये को बचा लीजिए। अगर आप रोज रोज ऐसा करते रहेंगे तो इससे आपका वॉलेट भारी होना शुरू हो जाएगा और उस बढ़ते भार का आपके हाथों को बहुत अच्छा महसूस कराएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई कराएगा, आपका दिमाग और आपके मन को एक शांति देगा। सो ये हुआ पहला इलाज। दूसरा इलाज है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। पहले आप अपने खर्चों का एक बजट बना लीजिए। देखिए, सभी की जिंदगी में इच्छाएं होती हैं और जरूरतें होती हैं, ये सभी की जिंदगी में है। बट इच्छाओं और ज़रूरतों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, पहले अपनी जो बहुत इंपॉर्टेंट इच्छाएं हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरतें हैं, पहले आप उनको पूरा कीजिए और उसके बाद जो चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं आप उनको बाद में कीजिए। तो ये हुआ दूसरा इलाज कि आप अपने खर्चों का एक बजट बनाएं और उन ज़रूरतों के अनुसार ही पैसे खर्च करिए। तीसरा इलाज है अपने भविष्य की इनकम निश्चित करिए। जैसे देखिए, सभी की ज़िंदगी में जन्म से लेके बुढ़ापे तक का समय आता है और इससे कोई भी परे नहीं रहा है, ये सभी की ज़िंदगी में आता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप आज से ही, अभी से ही अपने भविष्य के लिए सोचिए और इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे आप एक मकान ही खरीद लीजिए और उसको किराए पर दे दीजिए। तो ये सब चीज़ें हुई आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ये सब चीज़ें आपको फ्यूचर में काम आएंगी और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको खुद एक खुशी होगी, आपको खुद एक सिक्योर फील आप करेंगे, आप और आपकी फैमिली। और ये सब चीज़ें आपको आज से ही पूरी करनी है अगर आपको 60 साल की उम्र में जाके इंजॉय करना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इन्वेस्ट कीजिए और कहीं भी आप इन्वेस्ट कीजिए, बट ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप और आपकी फैमिली सिक्योर फील कर सके फ्यूचर में। तो आज मैंने आपसे शेयर किया बैंक बैलेंस बढ़ाने के 3 इलाज। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बैंक बैलेंस बढ़ाने के इन 3 तरीकों में नया क्या है, बताना है तो ये बताओ कि इनकम कहाँ से और हमें कैसे करनी चाहिए। तो आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, पर किसी भी गंभीर टॉपिक पे बात करने से पहले एक भूमिका तो बनानी ही पड़ती है। तो मेरे ये 2 वीडियोस, पहला वीडियो पैसे से खाना और पैसे को खाना और आज का वीडियो बैंक बैलेंस बढ़ाने के 3 इलाज, ये दोनों वीडियो एक भूमिका के रूप में थे। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि आप अपनी इनकम कहां से और आपको अपनी इनकम कैसे करनी चाहिए। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, और सेविंग्स, एक्सपेंसेस और इनकम, ये सब बहुत गंभीर टॉपिक है। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये तमाम नई जानकारियां मिलेंगी। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और आज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ, फिर से मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।